Good morning. Today I am going to teach you number, the noun number. Today we will learn how to make plurals from singular. Aaj hum noun ke antargat jo number hota hai, vachan jise Hindi mein bolte hain, wo sikhenge. There are two numbers in English. First singular number and second plural number. And iski definition hai. Definition: a noun that denotes one person or thing is said to be in singular number as jaise. Iski definition hai singular number ki, a noun ऐसी एक संज्ञा that denotes, जो बताती है, denotes means indicate, बताती है one person, एक व्यक्ति or thing या एक चीज को, is said to be, उसे कहा जाता है in singular number कहा जाता है. As जैसे कौन कौन होते हैं, जैसे example first में as cow, pen, boy, girl, tree, book, brother, now notice, cow, pen, boy, girl, tree, book, brother. ये singular है, singular number है. अब plural की definition: a noun that denotes more than one person or thing is said to be in plural number. As plural number की definition क्या है? A noun, एक संज्ञा या शब्द, that denotes, जो बताता है, जो निर्देश देता है, बताता है more than one person, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को, is said to be in plural number. अब नोटिस करना है हमें, ध्यान देना है कि एक पेयर में, इच पेयर में कि कैसे, इसका एग्जांपल देख लीजिए. एज काउस, पेंस, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, बुक्स, ब्रदर्स, ये प्लूरल नंबर के एग्जांपल है. काउस, पेंस, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, बुक्स, ब्रदर्स. अब आपको नेक्स्ट देखना है, बॉयज, बॉय, बॉयज,
ox, oxen, box, boxes, man, men. इनके सब अलग-अलग पेयर बने हुए हैं तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द ईच पेयर इज सिंगुलर बॉय ऑक्स बॉक्स मैन दीज वर्ड्स आर इन सिंगुलर नंबर एंड बॉयज ऑक्सन boxes, men, M-E-M, men. These are, each word are plural number. Each word of these pair is plural number. इन्हें हम कैसे बनाते हैं? इनके rules होते हैं. Boy में boys कैसे बना दिया? Ox में E-N जोड़ दिया. Box में E-S जोड़ा. Plural बनाने के लिए man में वावेल चेंज किया गया ई बनाया गया यहां पर किस तरह से हम इसको बनाते हैं ये हमारे पास इसके रूल्स होते हैं तो उन रूल्स को पहले हमें लिखना है और समझना है इसे नोट कर लीजिए तुरंत और मैं रूल्स आपको Rules first. How plurals are formed? How plurals are formed? Rule number first. Rule first. How plurals are formed? Thus, अभी मैंने बताया था शुरू में. In English, there are two numbers. There are two numbers in English. Singular number and the plural number. In Sanskrit में आप पढ़ते हैं, आपको तीन वचन बताए जाते हैं. एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. लेकिन English में केवल दो ही वचन होते हैं. एक singular होता है, एक plural होता है. Singular को एक वचन और plural को बहुवचन कहते हैं. अब कैसे हाउ प्लूरल्स प्लूरल्स बनाने के लिए फॉर्म बनाए जाते हैं तो एक पहला नियम है जनरली 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 एडिंग एडिंग बाय यस इन सिंगुलर फर्स्ट रूल है सिंपल सा नियम है जनरली एडिंग जनरली माने सामान्यतः एडिंग माने जोड़ते हैं यस यस जोड़ देते हैं इन सिंगुलर सिंगुलर नंबर में एक एज एग्जांपल एज अभी किया था जैसे बॉय तो बॉय का बॉयज गर्ल Girl का girls generally बन रहा tree tree का trees कामा brother brother का brothers pen का pens ये देखिए ब्लैकबोर्ड में ये कैसे हमने यस लगा करके प्लूरल बनाया ये सिंगुलर है बॉय यस लगा दिए बॉयज बहुवचन हो गया लड़के गर्ल गर्ल्स ट्री ट्रीज ब्रदर ब्रदर्स पेन पेंस अभी और बहुत सारे शब्द हुए हैं जो हमारे जैसे बुक बुक बुक्स यस जोड़ दिए बुक्स इस तरह से ये हम
बनाते हैं। अब सेकंड रूल आता है, सेकंड रूल क्या है, रूल नंबर सेकंड, नाउंस एंडिंग यस कॉमा यस एच टी एच आर एक्स फॉर्म बाई फॉर्म रूलर बाई एडिंग ईएस ईएस एच। हाँ, सेकंड रूल है, ध्यान से सुनना है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बी केयरफुल, पे अटेंशन हियर, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न। नाउन एंडिंग, संज्ञाएं जो समाप्त होती हैं, अंत में उनके रहता है शब्द या लेटर वर्ड, यस यस हो, यस यच हो सेकंड, या सी एच हो और आर एक्स हो, ये चार शब्द अगर हमें मिलते हैं, ये चार लेटर मिलते हैं, यस हो यस एच हो सी एच हो एक्स हो अंत में नाउन के, तो हम ई एस जोड़ करके बनाते हैं। कैसे, एग्जांपल एस, जैसे क्लास, ये क्लास, क्लास में यस है लास्ट में, इसलिए हम इसमें जब प्लूरल बनाएंगे इसको तो क्लास में क्लासेस, क्लासेस कर दिए। किस, किस है तो किस में यस, यस है इसलिए जोड़ दिया हमने यस, तो किसेस। फिर यस यच है, यस यच में जैसे डिस, डिस में यस यच लिखा हुआ है, तो डिस में हमें ईएस जोड़ना है, तो डिस डिसेस, सीएच है वॉच, वॉच, वॉच लिखा, वॉच में एट द एंड ऑफ द दिस वर्ड सीएच कम्स, तो सीएच है, सीएच के लिए लिखा हुआ है वॉच, तो ईएस एड करते हैं, तो डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वॉच को वॉचेस। ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच में भी सी एच है, तो ई एस जोड़ देते हैं, ब्रांचेज, ब्रांचेज। और लास्ट में है यक्स, ये टैक्स है, जैसे टैक्स, टैक्स, टैक्स में यक्स लास्ट में है, तो इसके साथ हमें ई एस जोड़ देना है, तो टैक्सेज। बॉक्स, बी ओ एक्स, इसमें भी एक्स है, तो बॉक्सेज, ई एस जोड़ दिए। इस तरह से हम बाय एडिंग ई एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं, ये सेकंड रूल है। अब इसे नोट कर लें, फिर हम थर्ड रूल बताएंगे। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, नाउंस एंडिंग एफ आर एफ ई चेंज, चेंजिंग, चेंजिंग we and adding es, es, es
एज एग्जाम्पल, पहले इसका रूल नाउन सिंडिंग एफ आर एफ ई, अगर कोई शब्द या संज्ञा जो यफ से समाप्त होती है या भी होता है तो उसको चेंज करके भी बनाते हैं, भी हो जाता है, और फिर भी से ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा ये प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ, थीफ को हम बनाते हैं तो ये पहले भी में बदल जाएगा यफ, टी एच आई ई, और यफ को भी बदल दिया फिर ईएस जोड़ देते हैं, एडिंग ईएस, पहले चेंज करते हैं चेंजिंग बी में एफ और एफ ई चेंज इनटू बी, देन बी यूज एड ईएस, थीफ, लाइफ, लाइफ को भी इसी तरह एल आई बी, एफ जो बी में हो गया, एफ ई इसमें एफ ई है इसलिए बी में ई और यस जोड़ दिया, तो लाइफ, थीफ, लाइफ, नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ में भी एफ ई है तो के एन आई वी ई एस, ये बी में बदला और फिर ई एस जोड़ दिया जाता है। लोफ, एल ओ ए एफ, लोफ का लोफ्स, एल ओ बी ई एस, रोटी का टुकड़ा, लोफ्स, लीफ, एल ई ए लीफ, लीफ, लीफ का लीव्स, वाइफ, वाइफ का वाइफ्स, इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर थ्री बी चेंज। बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, अभी इतने से ही हम नहीं समाप्त कर देते हैं कि इतने हम इसलिए 4 से 10 आप एग्जांपल देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एक इंग्लिश टू इंग्लिश बुक ग्रामर की है, इसका नाम जनरल इंग्लिश में है, जो उसके राइटर है पीसी रेन एंड मार्टिन, आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी कक्षा 8 तक के स्तर की, एबीसी या संघवी दिग्दर्शिका जो भी चलती है उसमें सब ये आपके आपके नंबर, चेंज ऑफ नंबर, चेंज ऑफ जेंडर, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, अपोजिट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडजेक्टिव्स, सब ट्रांसलेशन, एसे, एप्लीकेशन और ग्रामर पोर्शन भी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, ये सब मिल जाता। अब आपके लिए मैं होमवर्क एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसे नोट कर लें। एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बहुत सारी एक्सरसाइज रहती है, उन्हें करके आपको लाना है नोटबुक में। और इसमें पहले एक्सरसाइज है चेंज द नंबर, चेंज द नंबर, चेंज द नंबर, फर्स्ट हॉर्स, सेकंड कैट, थर्ड रोज, फोर्थ ब्रदर, ये एक्सरसाइज है, आपको करके लाना है। अब एक एक्सरसाइज और, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अपने नियमों के अनुसार से, प्लूरल सिंगुलर माइंड में रखते हुए कि क्या बनना है। पहला द पुलिस, the police arrested 5
ब्लैंक है और यहां पर एक ब्रैकेट में thief और thieves thieves इस लाइन को देखिए द पुलिस अरेस्टेड फाइव थीव और थीव्स इसमें आपको चॉइस है चूज करना है कि कौन सा हमारा नंबर सही है सिंगुलर सही है कि प्लूरल सही है और उसी को इसमें ब्लैंक जगह में आपको लिखना है आंसर बनाना है सेकंड द ब्लैंक और ग्रीन ब्रैकेट में है लीफ लीफ ये सेकंड एग्जांपल है द ब्लैंक खाली स्थान आर ग्रीन हरी है क्या लीफ या लीव्स ये दोनों हमारे एक सिंगुलर एक प्लूरल में दोनों में नंबर में लिखे हुए हैं आपको चूज करना है कि कौन करेक्ट है कौन करेक्ट उसी को लिखना है ब्लैंक में स्थान पर और आंसर लिख देना है इस तरह से हमारा ये जो चेंज ऑफ नंबर चैप्टर है वो हम अभी आधा इसमें नियमों को पढ़े हैं अभी और नियम हमारे हैं दो तीन नियम और इसमें से हैं और भी बनाते हैं ये सिंपल सिंपल अभी तीन एक दो तीन नियम आपको बताए गए हैं अभी और भी सारे नियम आपको बताए जाएंगे तो थैंक यू दैट्स ऑल टुमारो वी विल लर्न थ्री पार्ट्स ऑफ द वर्ब तो अगला चैप्टर आप पढ़ करके अपनी बुक से स्वयं आए धन्यवाद थैंक यू I can't even put it in the light. I'm going to go to the hospital.